कैरियर 19XR लिक्विड सेंट्रीफ्यूगल चिलर जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इस चिलर की मदद से हम जानेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में, यानी कि कैरियर चिलर से रिलेटेड जो डिस्प्ले है, पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर्स के अंदर कौन कौन से लेआउट हैं, सेट पॉइंट्स किस तरीके के हैं, सेंसर किस तरीके के हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो कैरियर से रिलेटेड जो ओल्ड मॉडल है इसका, जिसे हम CVC कहते हैं या ICVC कहते हैं, जिसे हम चिलर विजुअल कंट्रोलर कह सकते हैं या इंटरनेशनल चिलर विजुअल कंट्रोलर कह सकते हैं, उसकी मदद से जितने पैरामीटर्स हैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ब्लू स्टार के डिस्प्ले और यॉर्क के डिस्प्ले से रिलेटेड सारे पैरामीटर्स मैंने आपको बता रखे हैं। आप जाइएगा चैनल पर, उन वीडियोज़ को भी देखिएगा, जिससे कि आपको हर चिलर के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज और डिस्प्ले को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, चिलर के किस पैरामीटर्स को आपको शो मतलब समझना चाहिए और किस तरीके से उसको लॉग बुक में भरना चाहिए, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कैरियर के जो चिलर है उसके डिस्प्ले के बारे में या CVC के बारे में। तो पहला लेआउट आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है इस चिलर के अंदर, और जो इसकी डिस्प्ले है वो काफ़ी सिंपल है, जैसे कि ब्लू स्टार की आपको देखने को मिली थी, और इसमें जो कीपैड हैं या सॉफ्ट की हैं वो काफ़ी कम है, 4 सॉफ्ट की आपको देखने को मिल जाते हैं जो फंक्शनल है, और स्टार्ट स्टॉप के लिए आपको अलग से एक की देखने को मिल जाता है, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो पहला लेआउट आप देख पा रहे हैं ये लोकल व्यू का है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब कभी आपको चिलर में कुछ पॉइंट्स को देखना होता है बार बार, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि चिलर का वाटर इन और आउट का टेम्परेचर, कंडेंसर वाटर इन का आउट का टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, चिलर की जो कैपेसिटी है या लोड है या एम्पेयर है वो देखने को मिल जाता है, रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड, कंडेंसर इवेपोरेटर के रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको मोड और कंडीशन देखने को मिल जाती है, चिलर किस मोड में है, किस कंडीशन में है, जैसे कि सबसे ऊपर अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा रनिंग टेम्परेचर कंट्रोल, और नीचे लिविंग चिल्ड वाटर देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे आपको टाइमिंग डेट देखने को मिलती है, साथ में आपको चिलर का जो रनिंग आवर है वो देखने को मिल जाता है। सबसे नीचे डिस्प्ले के जस्ट नीचे जो ग्राफिक डिस्प्ले है उसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे 4 सॉफ्ट की। यहाँ पर जो ये सॉफ्ट की हैं इसके और जो ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं ये चेंज होते रहते हैं, अगर आप मेन मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। तो यहाँ पर आपको मेन्यू, रीसेट और लोकल अभी जिस लेआउट में आप हैं वहाँ पर वो दिखा रहा है। CCN इसका वर्क अभी कुछ नहीं है क्योंकि जो ऑपरेशन लेवल का है, तो इसमें हमको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सॉफ्ट की देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब जाते हैं सीधे मेन्यू के अंदर, और मेन्यू के अंदर देखते हैं कौन कौन से आइटम आपको देखने को मिल जाते हैं, और लेआउट इसका काफ़ी बेसिक है, काफ़ी सिंपल है, आप सामने देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर आपको 6-7 आइटम देखने को मिल जाते हैं। पहला है मेन स्टेट, उसके बाद यानी कि मेन स्टेटस, और उसके बाद है आपका स्टार्टअप, कंप्रेशर, हीट एक्सचेंजर, पावर, ISM स्टार्टर, ICVC पावर, ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और मैंने आपको बताया था नीचे जो सॉफ्ट की है अगर मेन्यू में जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, जो वहाँ जहाँ पर आपको मेन्यू देखने को मिलता था वहाँ पर एग्जिट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको रीसेट देखने को मिल रहा था वहाँ पर सेलेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको लोकल व्यू देखने को मिल रहा था वहाँ पर प्रीवियस, और CCN की जगह पर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जब आप मेन स्टेटस के अंदर इंटर करते हैं, सेलेक्ट वाले की को प्रेस करते हैं, तो कुछ इस तरीके का लेआउट आपके सामने आ जाता है। और इस लेआउट में आपको जितने भी मेन स्टेटस का मतलब है आपका जितना पार्ट, जो मेन पार्ट है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है एक ही जगह पे। आपको बार बार कंप्रेशर वाले आइटम में या हीट एक्सचेंजर वाले आइटम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि कंट्रोल मोड कैसा है, लोकल मोड है जैसे मैंने बताया अभी, आप सर्विस मोड पर डाल के इसको और एडवांस एक्सेस ले सकते हैं। रन का जो स्टेटस है रनिंग कंडीशन में है, नीचे अगर आप देखेंगे सिस्टम अलर्ट और अलार्म जो है वो नॉर्मल है, चिलर स्टार्ट है या स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है, स्टार्ट कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर रीसेट, कंट्रोल पॉइंट, चिलर वाटर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ नीचे अगर देखेंगे रिमोट स्टार्ट कॉन्टैक्ट, टेम्परेचर रीसेट, कंट्रोल पॉइंट, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और मोटर जो परसेंटेज किलो वाट्स है वो देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है मेन स्टेटस के अंदर। बात करेंगे, वापस से आएंगे बाहर मेन मेन्यू में, और मेन मेन्यू में आप जाएंगे आप स्टार्टअप पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक्चुअल गाइड वेन्स प्रो। वेन्स कहाँ पर होती है? आपके कंप्रेसर पे, और जो चिल्ड वाटर पंप है या चिल्ड वाटर फ्लो है वो उसकी कंडीशन देखने को मिलती है, कंडेंसर वाटर पंप, कंडेंसर वाटर फ्लो की कंडीशन, ऑयल पंप रिले, ऑयल पंप डेल्टा पी, कंप्रेसर स्टार्ट रिले, कंप्रेसर स्टार्ट कॉन्टैक्ट, और आपका स्टार्टर ट्रांस रिले, ठीक है। उसके बाद और भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे,
टावर का फैन रिले, आपका स्टार्टर फॉल्ट देखने को मिलता है, नॉर्मल देखने को मिलता है यहाँ पर, और सर ट्रिप रिले, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद वापस से आएंगे मेन मेन्यू में, और मेन मेन्यू में अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है कंप्रेसर। कंप्रेशर में भी आपको मैंने जैसे अभी मेन मेन्यू में आपको पहला ऑप्शन देखने को मिला था एक्चुअल गाइड वेन्स प्रो, उसके बाद गाइड वेन्स डेल्टा मैंने बताया था, जो आपकी वेन्स होती है वह कहाँ होती है, कंप्रेसर के लिए होती हैं, टारगेट गाइड वेन्स पोज, और उसके बाद ऑयल सम टेम्परेचर, ऑयल पम्प डेल्टा पी, कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको कंप्रेसर से रिलेटेड देखने को यहाँ पर मिल जाती है। हीटर रिले है आपका, डिफ्यूज़र एक्चुएटर है आपका, एक्चुअल VFD स्पीड आपको पता है, जो VFDs होती है वो कंट्रोल करती है मोटर की स्पीड को, जिससे कि आप लोडिंग अनलोडिंग का जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल में ले सकते हैं। एक्टिव डेल्टा, और उसके बाद सर्ज लाइन डेल्टा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कंप्रेसर के अंदर। आप वापस से आते हैं मेन मेन्यू में, और मेन मेन्यू में आप जाएंगे कंप्रेसर के नीचे वाले ऑप्शन में, जो कि है हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर भी आपको आपका चिल्ड वाटर डेल्टा भी देखने को मिलता है, इंटरिंग चिल्ड वाटर देखने को मिलता है, लिविंग चिल्ड वाटर देखने को मिल जाता है, उसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो देखने को मिलता है, आपका चिल्ड वाटर पुल डाउन मिनट देखने को मिल जाता है, ठीक है, इवेपोरेटर सेट टेम्परेचर, इवेपोरेटर प्रेशर, इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट लिक्विड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको हीट एक्सचेंजर में देखने को मिलती है। और इसके बाद वापस से आते हैं इसके नीचे वाले ऑप्शन पे, आपको मेन मेन्यू में आना पड़ेगा, मेन मेन्यू में आएंगे हीट एक्सचेंजर के नीचे, वहाँ पर आपको पावर देखने को मिल जाती है। तो पावर में आपको सिंपल है आपकी वोल्टेज और करंट का जो कंडीशन है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि आप मोटर किलोवाट्स देख सकते हैं, मोटर किलोवाट्स आवर देख सकते हैं, एक्चुअल लाइन करंट, एवरेज लाइन वोल्टेज, एक्चुअल लाइन वोल्टेज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। पावर फैक्टर देखने को मिल जाता है इम्पोर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको पावर के अंदर देखने को मिल जाती है। फिर से आपको मेन मेन्यू में आना है दूसरे आइटम में जाने के लिए, पावर के नीचे आपको ISM स्टार्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको फेज़ लॉस, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, करंट इम्बैलेंस, वोल्टेज इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ICVC आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर डिसेबल सर्विस देखने को मिल जाता है, रिमोट रीसेट ऑप्शन, रीसेट अलार्म, CNC मोड, तो ये सारी चीज़ें आपको ICVC में देखने को मिल जाती है। उसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा सेट पॉइंट। सेट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर आपको जितने भी आपके सेट पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कंट्रोल पॉइंट है, लिक्विड चिल्ड वाटर सेट पॉइंट है, इवेपोरेटर चिल्ड वाटर सेट पॉइंट है, या आइस बिल्ड सेट पॉइंट है, वो टावर फैन हाई सेट पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। सेट पॉइंट कभी कभी ऐसा होता है, कोई सेट पॉइंट्स ऐसे होते हैं वो सर्विस लेवल पे ही या सर्विस एक्सेस लेवल पे ही आपको चेंज करने को मिल पाते हैं, उसके लिए आपको यूज़र आईडी, यॉर्क वाले चिलर में तो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड था वो दोनों थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड देखने को मिल जाता है। वापस आएंगे यहाँ पर आपको अलार्म हिस्ट्री देखने को मिल जाती है, सर्विस वाले ऑप्शन में आएंगे, जब मेन मेन्यू में आप वापस आएंगे और सर्विस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलार्म हिस्ट्री, अलर्ट हिस्ट्री, कंट्रोल टेस्ट, कंट्रोल एल्गोरिदम स्टेटस, इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाती है, टाइम और डेट, अटैच टू नेटवर्क डिवाइस, लॉग आउट ऑफ डिवाइस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है आपके सर्विस वाले ऑप्शन में। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके, और ये पॉइंट्स जितने भी थे चिलर से रिलेटेड या आपके कैरियर चिलर से रिलेटेड मैंने आपको समझा दिए हैं। जो इसके एडवांस लेवल के होंगे मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके PDF के थ्रू इसको समझिएगा और देखिएगा, जिससे कि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। तो कैरियर में एक टच पैड वाला भी है, अगर मेरे पास हो सके मैं आने वाली वीडियोस में जो टच पैड वाला जो डिस्प्ले है या CVC है मैं आपको उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगर कुछ छूट जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं मेरे तो लाइक ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा, आप शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस को, अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपने बस सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।